दिवाली पर लोगों के घरों में शांति बने, लक्ष्मी का वास हो और पर्यावरण भी दूषित ना हो, इसके लिए हमीरपुर गौ सेवा समिति जामली धाम के द्वारा प्रयास किया गया है। और इसी के चलते पहली बार हमीरपुर जिला में राजस्थान के स्वदेशी गौशाला भीलवाड़ा से 10,000 गाय के गोबर से बने हुए दीपक गौ भक्तों को निःशुल्क बांटे गए हैं। साथ ही गौ सेवा समिति जामली धाम हमीरपुर ने इस साल से गाय के गोबर के दीपक बनाने का भी निर्णय लिया है, जिससे आगामी दिनों में हमीरपुर में ही गाय के गोबर से बने दीपक उपलब्ध हो सकेंगे। हमीरपुर जिला के गौ सेवा समिति जामली धाम के द्वारा दिवाली के मौके पर निशुल्क गौओं के गोबर से बने हुए दीपकों को बांटा गया है, ताकि हर घर में गौ माता की कृपा बने। इसी के चलते जामली धाम से राजस्थान से स्वदेशी गौशाला भीलवाड़ा से 10,000 गोबर से बने हुए दीपकों को मंगवाकर गौशालाओं के माध्यम से बांटा गया है। साथ ही इस साल से जामली धाम गौशाला में ही गाय के गोबर से दीपकों को बनाने के काम भी किया जाएगा। गौ सेवा समिति जामली धाम के अध्यक्ष रसेल सिंह मनकोटिया ने कहा कि जामली धाम में राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग भारत सरकार के आदेशों के अनुसार इस बार सभी गौ भक्तों के घरों में दिवाली के दिन देसी गाय के गोबर से बने दीपकों द्वारा दीपावली मनाई जाए। इसी के चलते 10,000 दीपक मंगवाए गए हैं, जिन्हें बांटा गया है। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व में गौ गोबर से दीपक जलाने से घर में शांति और लक्ष्मी का निवास हो सके, इसके लिए गौ सेवा समिति प्रयास कर रही है। साथ ही गोबर के दीपक जलाने से पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। एक परंपरा थी हमारे पहले बुजुर्गों में, हर घर में गाय होती थी और घर में उठने के बाद गाय के गोबर से पूरे घर को पुताई की जाती थी। और ये देखने वाली बात है कि उस वक्त हमारे बुजुर्गों के घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, रोजगार का कोई साधन नहीं था, फिर भी उन बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, घर में शांति थी, पैसे में बरकत थी। आज परिवार में एक या दो बच्चे हैं, इनकम लाखों में है, फिर भी न घर में शांति है न पैसे में बरकत है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। गौ माता का जो तिरस्कार हुआ है, इसके कारण ना घर में शांति है ना घर में बरकत है। इस बार हमारी गौशाला ने निर्णय लिया कि हम कोशिश करेंगे कि हर घर में दिवाली को गौमय दीपक की दिवाली हो, और इसलिए हमने राजस्थान भीलवाड़ा से हमीरपुर में पहली बार 10,000 गौमय दीपक मंगवाए और उन दीपकों को पूरे जिला में गौशालाओं के माध्यम से हम वितरण कर रहे हैं, ताकि हर गौ भक्त के घर में इस बार गौ माई की दिवाली हो। अगले वर्ष से हमारा ये निर्णय है कि हम अपनी गौशाला में लाखों की संख्या में गौ माई दीपक बनाएंगे और हर घर घर में भेजेंगे, ताकि गोबर ना सही लेकिन गौ माई का दीपक तो वहाँ पहुँचे, ताकि उस घर में शांति भी रहे और पैसों में बरकत भी रहे। लक्ष्मी जी का निवास माना गया है शास्त्र के अनुसार कि लक्ष्मी जी का निवास जो है वो गौ माता के गोबर में निवास है। इसलिए हमने इस बार लगभग 10-12 गौएं जो देसी किस्म की हैं वो अपनी गौशाला में ले आए हैं, ताकि अगले साल से गौशाला से दीपक भी बने और धूप भी बनाया जाए, तब तक गौ माता के गोबर से मूर्तियां बनाई जाएं, ताकि उन मूर्तियों को हम लोगों को घर घर दे सकें। ये प्रयास हमारा अभी शुरू हो गया है, जो अगले साल की दिवाली को हम अपनी प्रोडक्शन यहाँ से देंगे। यह है कि जो गोबर से दीपक बनाए गए हैं उसका पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे, क्योंकि गोबर जब वो दीपक जल जाएगा तो बचा हुआ गोबर जो दीपक है उसको हम तोड़ करके अपनी फसल में गमले में डाल सकते हैं। इससे कोई हमारा यही प्रयास है कि हम गाय के पंचगव्य से ऐसे पदार्थ बनाएं जिसके कारण गाय जो है वो लोगों को बोझ ना लगे, उपजाऊ को लगे कि गाय जो है कमाऊ है हमारे लिए, ताकि गाय दूध पर ना डिपेंड रह करके इसका गोबर का और उसके मूत्र का जो है इस्तेमाल जो है वो हर चीज़ में हम करेंगे, ताकि लोगों को एहसास हो जाए कि गाय पालना लाभदायक है। स्थानीय निवासी ने बताया कि गाय के गोबर से बने हुए दीपकों से प्रदूषण भी नहीं होगा और जलने के बाद इसको खाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे गौशाला का ये बढ़िया कदम है। जो दिए हैं ये मतलब एक तो प्रदूषण से रहित है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है और जलने में अच्छे शोभा देते हैं, और इसके बाद जो है वो इसकी मतलब खाद बन जाती है और देखने में भी सुंदर लगते हैं, हल्के बहुत बढ़िया।
वहीं अन्य स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि गाय के गोबर का बहुत महत्व है और सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है। इस बारे में ये है कि हमारा जो सनातन है ना जी, उसमें गाय के गोबर को बड़ी महत्व देते हैं, इस करके दीपक बनाए हैं, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा और दूसरा जो मनकुटी फसलों को इसका लाभ होगा, खाद बन जाएगा। गौशाला के सदस्य ने बताया कि गाय के गोबर को खेतों में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब गाय के गोबर के दीपक बनाने के लिए भी काम होगा, जो कि बढ़िया होगा। देखो जी, ये तो एक हमारे गौशाला के लिए इनकम भी है और जो हमारा गोबर ऐसे वेस्ट होता था उसका यूज भी हो रहा है, जिससे हम केंचुआ खाद भी बना रहे हैं, जिससे हमारी अपनी इनकम भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ गौओं के लिए जो हमारे लिए हमेशा थोड़ा धन की भी रहती थी कमी, वो भी इससे हमारी ठीक हो रही है। और हम ये सबको भी ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि सभी घरों में ये गोबर धन हो और सभी के लिए इनकम भी बनेगी। और पहले तो ये गोबर को से खाली खेतों के ही काम में लिया जाता था, अभी हम इसको प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आप सबके काम आएंगे और उससे इनकम भी बनेगी। युवक ने बताया कि गाय के गोबर से बने हुए दीपकों को इस बार दिवाली पर जलाएंगे और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। गोबर के दीपक है, बहुत ही अच्छा स्टेप है सर, गौशाला जंगली धाम बनाकर, तो इसके लिए प्रदूषण नहीं थे, तो इसके लिए हमारा पर्यावरण जो बचा रहता है इसके लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये है। आप सभी ने लिए हैं तो आप सभी इसमें सहयोग देंगे, तो कमेटी की तरफ से ये चीज़ बहुत अच्छी पहल है और हमारे में आने वाली लड़की के लिए ये बहुत अच्छा है, गौशाला जंगली धाम के लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा कार्य है, जो हमारे और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए है और जिसे हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमारी धार्मिक संस्कृति और हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े और हमारी गौशाला गौधाम का जो है वो। गौरतलब है कि गौ सेवा समिति जामली धाम में 70 के करीब गौओं को रखा गया है और उनकी देखभाल बढ़िया ढंग से की जाती है। जामली धाम में गौओं के गोबर से खाद के अलावा गौमूत्र का प्रयोग करने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाता है, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। जामली धाम के द्वारा गौ संरक्षण के लिए भी पिछले कई सालों से बेहतर काम किया जा रहा है और यहां पर गौओं की देखभाल भी की जा रही है।